classes we are going to explain about Excel, what is the use of Excel and how to operate the Excel. Students, हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था, हमने उसमें बार्स और ग्राफिक्स के बारे में जाना था कि बार्स का यूज क्या होता है और ग्राफिक्स का यूज क्या होता है. तो इस वीडियो में हम लोग एक्सेल को एक्सेल की जो अंडरस्टैंडिंग है कि एक्सेल पे हम वर्क कैसे करेंगे, एक्सेल को हम ऑपरेट कैसे करेंगे. ठीक है, आप जान लीजिए कि ठीक है बार क्या है, फॉर्मूला बार क्या है और टूल बार क्या है. ठीक है, आप समझ लेते हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक नहीं है, आपका क्लियर रहेगा तब तक आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. तो आइए हम बेसिक को भी देखते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखिएगा ध्यान से. आशा करते हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, बस आप बने रहिएगा. तो स्टूडेंट, हम लेते हैं एक्सेल, लेते हैं एक्सेल में हम देखते हैं कि इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है. सबसे पहले अगर विंडोज एक्स की बात करें, विंडोज 8 या विंडोज 7 वर्जन में तो हम देखते हैं कि हम सबसे पहले कहां पे जाते हैं, स्टार्ट मेनू पे जाते हैं, स्टार्ट मेनू पे जाते हैं. स्टार्ट मेनू के नीचे हमको एक मिलता है सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स मिलता है. अब क्या होता है कि सर्च बॉक्स में हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहां से सर्च बॉक्स बैक हो जाता है और यहाँ पे एक ऐसे ब्लैंक बॉक्स मिल जाता है. तो ब्लैंक बॉक्स में क्या टाइप करते हैं, एमएस एक्सेल टाइप करते हैं. तो क्या होता है कि यहाँ एक पॉपअप बॉक्स ओपन होता है और यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं एक्सेल की जो सीट है या एक्सेल दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो हमको मिल जाता है. तो ये तो हुआ कि हम एक्सेल को फाइंड आउट कैसे करते हैं. अब हम देखेंगे कि एक्सेल पे हम वर्क कैसे करते हैं. स्टूडेंट, बिल्कुल जो देखा जाता है कि एक्सेल का यूज जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, डेटा को फीड करने के लिए. किस प्रकार के डेटा, तो जैसे अकाउंटिंग का डेटा हुआ, कैलकुलेशन का डेटा हुआ, इसलिए हम एक्सेल का यूज करते हैं. तो एक्सेल का जब हम यूज करते हैं उसमें एक लाइन किस तरीके से बनी होती है और इस तरीके से बनी होती है. ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं. और इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं. तो ये हो गया हमारा कॉलम और ये हो गया रो. अब हम देखते हैं कि एक कॉलम ये भी वही है, कॉलम ही है और ये भी रो है और ये भी रो. जब दो रो और दो कॉलम मिलते हैं तो क्या बनती है, एक सेल बनती है. क्या बनती है, एक सेल बनती है. और स्टूडेंट्स, इसी सेल में आप ऐसे देख सकते हो, इसी सेल में इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. इसी सेल में हम क्या करते हैं, डेटा को अपने फीड करते हैं. कौन सा डेटा, जैसे कोई भी कैलकुलेशन हो गया, कोई भी जैसे आप मार्कशीट बनाना, क्या बनाना, मार्कशीट आप बनाते हो तो किस पे बनाएंगे, एक्सेल पे बनाएंगे. अब हम इसके फंक्शंस को देखते हैं, इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इसके नीचे एक स्मॉल बॉक्स होता है. पहले हम देख लेते हैं, स्लीड देते हैं और स्लीड. अब जो आपको डेस्कटॉप पे दिख रही है, जो आपको ये स्लीड दिख रही है, ये जो स्लीड है, ये जो सेल और कॉलम का एक इमेज दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीड बोलते हैं. अब ये जो स्लीड है वो कुछ ऐसे है. आप फर्स्ट स्लीड पे वर्क करेंगे, ये हो जाए फिर हो जाएगी, आप दूसरी स्लीड पे, फिर तीसरी स्लीड पे. इसके नीचे स्क्रॉल बार होता है, आप इसको जितना ड्रैग करेंगे ये सीट इधर ड्रैग होती जाएगी. अब आपको नीचे देखना है तो एक स्क्रॉल बार आपका यहाँ पे होता है. वो आप स्क्रॉल बार का यूज कैसे होता है, जैसे ये माउस है तो माउस पे एक व्हील लगी हुई और इस व्हील को आप जितना मूवमेंट करेंगे, जिस तरीके से कर्सर पे फिंगर को ड्रैग करेंगे उस तरीके से इसका मूवमेंट होता है. आप क्लिक करके इसको ड्रैग नीचे ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आएगा. आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये लेफ्ट एंड राइट साइड में मूव करेगा. तो ये तो था एक्सेल के, एक्सेल के कुछ फंक्शन थे. जैसे आपने स्क्रॉल बार देखा, ये भी स्क्रॉल,
जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, व्यू हो गया, ये सारे ऑप्शन को कहां मिलते हैं, रिबन के ऊपर मिलते हैं। अब होम ऑप्शन में हम आते हैं, तो होम ऑप्शन में आने के बाद हमको जो जो सीटें मिलती है, जैसे इसमें कलर मिल गया, उसके बाद आपको टेबल्स मिल गई, से रो और कॉलम्स मिल गए, उसको आप सेट करते हो, ये चीजें हो गई। अब आप दूसरी चीज जो इसमें देखते हो कि इस पे डेटा कैसे इंटर करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे यहां पे हम नंबर इंटर लेते हैं 1 2 3 4 और ए बी सी डी इस तरीके से कर लेते हैं। हम इसको ऐसे बना लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा कॉलम हो गया और ये क्या हो गया रो। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बन गया, एक सेल बन गई, यहाँ पे क्या बन गई, सेल बन गई। अब इसके सेल में हम क्या करेंगे, डेटा को अपने फीड करते चले जाएंगे। अब जब इसमें डेटा को फीड करते चले जाएंगे तो एक क्वेश्चन होता है कि अब क्या इसी हम फीड कर सकते हैं, नहीं आप कहीं भी फीड करिए, लेकिन वो हमको यहाँ पे शो करता है। कहाँ पे शो करेगा, फार्मूला बार के बगल में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फार्मूला बार होता है, यहाँ पे फार्मूला बार होता है, और यहाँ पे आप जितने रो और कॉलम्स को सेट करते हो आपको कहाँ पे लिखा है लोकेट करता है, इस प्लेस पे लोकेट करता है। आप जब सिस्टम पे करेंगे यहाँ पे आप लिखिएगा और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करिएगा और अपने सिस्टम पे आप वर्क करेंगे तो आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स हम आपको जल्दी से बता देते हैं, जैसे आप ए पे हैं और इसमें वर्क कर रहे हैं तो ये आपको बताएगी ए1 यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अब आप यहाँ पे वर्क करेंगे बी